खून को लिखूंगा, खून पानी में लिखूंगा, महलों में जो नाचेगी उसे मैं रानी में लिखूंगा, काट ले मेरी कोई गर्दन, खींच ले दबा मेरी, कातिल को कातिल लिखूंगा, मसीहा न लिखूंगा, कनादों को कभी मैं नेता न लिखूंगा। भाई जनाबे कमल हुदा साहब, मजलिस के उम्मीदवार की हैसियत से किशनगंज में एमएलए बने हैं जिमनी इंतखाब पर। उस जिमनी इंतखाब के सिलसिले में आज के इस्तकबालिया जलसे के सब जनाबे चचा अलहाज जफर असलम साहब, इस महफिल इस्तकबालिया के अहम रुकन और आज के महफिल के खसूसी मेजबान मेरे रफीक और अच्छे भाई जनाबे अलहाज मुखिया इजहार असफी साहब, साबिक मुखिया ग्राम पंचायत कठामठा और वहां के मुखिया आदिदी इम्तियाज असफी के अब्बा जान, और एमएलए बनने की तमन्ना नहीं, एमएलए के समझिए कि सभी तौर पर पाप की हैसियत रखते हैं, जिसका दामाद भी एमएलए है उसको मेरे बनने का क्या शौक बाकी हो गया। हमारी पार्टी के किशनगंज के आए हुए एमआईएम के जिला जनरल सेक्रेटरी जनाबे भाई नूरुल इस्लाम साहब, पार्टी के इंटेलेक्चुअल सेल के जिम्मेदार जनाबे भाई इस्ताउल हक असरफी साहब, बहादुरगंज और कवाखाली से तशरीफ फरमा हमारे लीडर हजरात अदीजा महन पम्मी बेगम, भाई जनाबे समीम साहब पूर्व जिला परिषद, भाई जनाबे राहिल साहब पार्टी के डिस्ट्रिक्ट यूथ सेल के लीडर जनाबे भाई मासूम रजा साहब, पार्टी के अहम जिम्मेदार पेलोस खिदमत करने वाले अतिथि संतोष चौधरी जी, बादरोज परिषद के हमारे अध्यक्ष जनाबे भाई तौसीफ आलम साहब, अमौर से आए हुए वहां के जिला पार्षद और मजबूत नेता जनाबे भाई अफरोज आलम साहब, आज के इस महफिल की बाबकार निजाम है जनाबे भाई अब्दुल कय्यूम साहब, बहुत ही बेबाक शायर और कौमी सतह में उभरते हुए शायर जनाबे भाई संसाद राही साहब, जनाबे भाई मुफ्ती अनवर साहब, यहाँ पर मौजूद हमारे पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष जनाबे भाई राहत आलम साहब, भाई जनाबे रेहान साहब, और हैदर का नाम तो हैदर जमा का सजा इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदिति हैदर हल्दी घोड़ा, अदिति हैदर कपड़ा वाला गोजा धवन, अदिति शहनवाज हैदर मिशनपुर, यहाँ पर मौजूद जनाबे भाई सलीम हैदरी साहब, भाई जनाबे मुखिया जियाउर रहमान साहब, जनाब भाई फौजी अकबर साहब, और मुख्तलिफ मकाम से आए हुए सभी बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, मेरी नेक तरीन माँ और बहनों और जिम्मेदार पत्रकार साथियों, मैं कोजा धामन का बेटा होने की निस्बत से कोजा धामन के इस प्रोग्राम में जनाबे भाई कमल हुदा साहब का इस्तकबाल करता हूं, और मजलिस के खादिम होने की हैसियत से उन तमाम पर लोगों का जिन्होंने इस महफिल का इनेकाद किया है और सवेरे से यहाँ पर अपने तमाम पर मसरूफियत को छोड़कर बैठे हुए हैं, मैं उन तमाम पर का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आदिजी सोहेब भाई का, जनाब भाई हाजी तूफानी साहब का, जनाब भाई जुबैर साहब का, जिन लोगों ने इस महफिल को इनेकाद करने में बड़ा रोल अदा किया। मेरे भाइयों, भाई कमल हुदा साहब इस वक्त मुखिया प्रखंड के प्रमुख, जिला परिषद के चेयरमैन होते हुए आज मजलिस के एमएलए बनने का हुआ है, ये काफी नब्बे तुले हुए हैं, समाज की नीचे की कड़ियों से लेकर ऊपर की कड़ियों को जानने वाले आदमी, हम मजलिस के जानेब से भी जनाबे भाई कमल हुदा साहब की जीत पर उनको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं कि जिस दर्द की आवाज,
जिस जुर्म की आवाज, जिस बेबसी और लाचारी की आवाज भाई जनाब इजहार अस्फी साहब ने कही, और अभी पढ़कर बात करने थी सप्पू बाबू को, सप्पू संभानी को, लेकिन उन्होंने बुजुर्गों का एहतराम करते हुए मुख्तसर से इस्तकबाल कर लिया है। भाई साजिद संभानी साहब भी अपनी जगहों पर एक मजबूती के साथ दर्द की बात कर रहे हैं। ये दर्द की बात कमल उदा साहब, आपकी जीत सिर्फ वोट से नहीं हुई है, भले ही आपको 70,000 लोगों ने वोट दिया है, लेकिन मैं समझता हूं कि 70,00,000 लोगों ने आपकी जीत के लिए दुआएं दी। यही वजह है कि आज कोई भी एमएलए 10-20 साल रहने के बाद भी वो शोहरत नहीं पाता है जो आप जिमनी इंतजाम में जीत कर भाई कमल उदा साहब को मिली। ये दरअसल क्या है, दिल्ली में जाइए तो लोग इंतजार कर रहे हैं, हैदराबाद में जा रहे हैं तो इंतजार कर रहे हैं, और पोचा धामन में तो मैं भी जीत के आया था, इतने लोग नहीं थे, लेकिन आज आपकी जीत पर इतने लोग मौजूद क्यों हैं? मौजूद इसलिए है कि कल तक मेरा बेटा महाजन के खेत में नौकरी में हल जोतता था, 25 बीघा में खेत जोतता था, लेकिन नौकर होता था, आज 5 कट्ठा खेत अपना है, मेरा बेटा अपने खेत में हल जोतता। कल तक की जो पार्टी थी वो पार्टी किन की थी, हैरों की थी, गैरों की थी, वो पार्टी हमको डराने वालों की थी, वो पार्टी बाबरी मस्जिद के नाम पर सियासत करने वालों की थी, वो पार्टी जो हमारे दीनों ईमान को खत्म करना चाहती है उसकी थी, और आज बरसों के बाद लगा है कि अपनी पार्टी का कोई आदमी जीत कर आया है, नहीं तो बता दे कोई सवेरे से भूखा प्यासा कोई बड़ा आलिम बड़ा नेता मंत्री को देखने के लिए भी इतना लोग तवज्जो से नहीं बैठते थे जितना मजलिस के एमएलए का आप लोगों ने इनसे बात किया। दरअसल क्या है भाइयों, ये दरअसल आपके दर्द की आवाज है, दरअसल आपके उम्मीद के किरण है। क्या है, मैं अक्सर कहता हूं कि पड़ोसन क्या बच्चा होता है तो पड़ोसन खुशियां मनाती है, लेकिन बाज औरत के गोद में 12 साल के बाद बच्चा हो तो चौधरी के चांद को भी नहीं देखती, अपने बच्चे की पेशानी को मार चुकी। और आज एमआईएम के लोगों के लिए वही दिन है, लोग कहता था कि भटूरा पार्टी में बूढ़े लोग कहते थे हमारा तो खानदानी कांग्रेसी, बूढ़ों को समझाया चाचा जान आप खानदानी कांग्रेसी नहीं है, कौन है बाबरी मस्जिद में जिसने ताला लगाया वो आपका खानदान, बाबरी मस्जिद में जिसने मूर्ति बनवाया कांग्रेस वो आपका खानदान, बाबरी मस्जिद जब टूट रही थी दिल्ली में बैठकर इबलीस की तरफ तमाशा देख रहा था वजीर आजम वो आपका खानदान, मुझे बाबरी ना बात करता नहीं है, मैं कहा घूमना मजबूरी थी। नौजवानों सुन लो, अभी यहां का एमपी डॉक्टर जावेद आजाद साहब आए थे, मैं चैलेंज करता हूं डॉक्टर आजाद साहब, आप इंफरादी तौर पर एक अच्छे आदमी हैं, आपका अखलाक अच्छा है, आपको मैं पसंद करता हूं, लेकिन पोचा धामन के लोगों को आपने बेवकूफ बना रहे कि हंजा ऐसा बेरोजानी नहीं चल गए, हमारा मिले जुले रवाना भी इस तरह मिला के रहना चाहते हो, मेरे भाई की गर्दन काटा तब भी तुमसे मिलकर रहेंगे, मेरी दुकान लूट लो तब भी मिलकर रहेंगे, मैं तो रहा तुमसे मिलकर, एक कांग्रेसियों तुमने भागलपुर में हमारी गर्दन काटी फिर भी बीजेपी के खिलाफ गणतंत्र को वोट दिया, बाबरी मस्जिद में तुमने ताला लगाया बीजेपी वालों ने तोड़ा लेकिन उसके बावजूद भी हमने तुमको वोट दिया, बंबई में तुमने फसाद कराया फिर भी तुमको हमने वोट दिया, और आज भी कहते हैं हम वोट दें बीजेपी की, हम भले बीटी मजलिस कौन है बीटी खोल के काम सुन लीजिए, अब मेरी मस्जिद के खिलाफ जो फैसला आया सुन लीजिए कौन है कांग्रेस, मैं लंदरानी गुफ्तगु करने नहीं आया हूं नौजवानों, जिस्म बीमार होता है तो डॉक्टर के यहां 6 घंटा नहीं 6 दिन बैठते हो, रूह बीमार होती है कौम बीमार होती है तो सदियां उसको उठने में लगती है, मैं तुम्हारे जिस्म के नहीं तुम्हारे तुम्हारे नस्लों के लिए मैं इंसाफ की तलब करने वाली लड़ाई लड़ रहा हूं, जरा कौन सा क्या कहने के लिए आया हूं मैं, यही कांग्रेस जिसने तुरवाई मस्जिद हमारी, और जब कांग्रेस थी का केस लड़ा जा रहा था धवन साहब बहुत ही मशहूर एमपी बगैर पैसे के हमारा केस लड़ रहा, लेकिन वो कांग्रेस जिसको हमने वोट दिया जिसको हर आड़े वक्त में हमने साथ दिया, कपिल सिब्बल उनका जो पिछले दिनों मंत्री भी था अलीगढ़ की फाइल को जिसने बहकाया, वो कपिल सिब्बल
उनको कहा कि तुमको पैसा देते हैं, तुम हमारा केस लड़ो। आप बोलिए दयानंद बाबू नहीं है यहाँ पर क्या? दयानंद के यहां जो आता है इलाज करने के लिए, डॉक्टर दयानंद सर का पूछता है कि हिंदुओं के मुसलमान ज्यादा मुसलमान के घर में जाकर इलाज करता है। डॉक्टर क्या पुलिस वाला पूछेगा कि तू हिंदू है कि मुसलमान है? वकील पूछेगा कि तू हिंदू है कि मुसलमान है? लेकिन इस कांग्रेस ने कहा हाँ पूछेगा, और कहा कपिल सिब्बल को कि कपिल सिब्बल साहब आप बाबरी मस्जिद के केस की पैरवी नहीं करें। मुस्लिम पसंदा ने भीख मांगकर, जमे दलोपा ने भीख मांगकर करोड़ों रुपए वकील का फीस अदा किया, लेकिन इस कांग्रेस ने क्यों कपिल सिब्बल को रोक दिया कि कपिल सिब्बल साहब आप जो केस लड़ रहे हैं बाबरी मस्जिद का, तो हमारा हिंदू वोट फिरका परस वोट, हालांकि सारा हिंदू वोट नहीं फिरका परस वोट, फिरका परस वोट की फिक्र नहीं कांग्रेस को, और उस कांग्रेस ने हमारे मुकदमे को लड़ने दिया। लोगों वही कांग्रेस हया तो मौत अल्लाह के जिम्मे है, लेकिन कभी कभी इंसान को सदमे से मौत होती है। बूढ़ा 80 साल का चलता था लेकिन बेटे के इंतकाल के बाद सवेरे से कदम नहीं उठा पाता है, सदमा इंसान को तोड़ देता है। हजरत मौलाना मुमकिन है कि अल्लाह ने मौत उनकी लिखी होगी, लेकिन हजरत मौलाना अल्लाह गरीब के नमत करे, मौलाना अफजल हक साहब को अपने इलेक्शन के हार जाने का सदमा नहीं था, जितना सदमा तलाक के मामले में पार्टी ने चुप रहकर उनको देने का काम किया वो कांग्रेस। और अभी और सुन लो सारे लोग, हमारे अखबार नहीं पढ़ते, आजकल मोबाइल आ गया है, अब मोबाइल में जो कुछ देख लेते हैं। अभी क्या हुआ लोग, फैसला आया बाबरी मस्जिद के खिलाफ। उम्मीद हमको थी कि जमीन हमारी है, सुप्रीम कोर्ट का यह दावा है कि वहां पर मूर्ति रखना गैर कानूनी था, मस्जिद को तोड़ना गैर कानूनी था, और खुदाई के जरिए से 300 साल की रिपोर्ट आई कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई, ये एसआई की रिपोर्ट थी। हमें उम्मीद थी कि फैसला हमारे खिलाफ हक ना आए, लेकिन फैसला हमारे खिलाफ आए, और सभी लोग चुप थे कि क्या बोले नहीं बोले। कांग्रेस ने लपक कर कहा कि हम इस फैसले का इस्तेमाल करते हैं। क्यों कहा? इसलिए कि कांग्रेस हमारे ईमान की दुश्मन है, जिसके सीने में ईमानी हरारत है वो आरे से चीख कर बोला कि सुप्रीम कोर्ट की आजमत कहां मिल रही है, फैसले से खुद नहीं रही है। कौन बोला, क्यों नहीं बोला कांग्रेस? और सुन लीजिए, ये कांग्रेसी लोग कहते थे कि हम लोग बीजेपी की ड्यूटी, जब बाबरी मस्जिद टूटी थी 1997 में, पान ठाकरे कानून निवेश था, पहले वो अखबारों में कार्टून बनाता था, धीरे धीरे नेता बन गया, मराठी लीडर ही करने लगा, मराठा से बंगाली और बिहारी को भगाने लगा। वो कहता है कि जब बाबरी मस्जिद टूटी तो देश के हिंदुओं ने भी पार्लियामेंट में आवाज उठाने का काम किया था, लेकिन पाल ठाकरे ने कहा कि मुझे गौरव है, मुझे गर्व है, मुझे फख्र है कि हमारे शिव सैनिकों ने जाकर मस्जिद को तोड़ दिया पाल ठाकरे। और पाल ठाकरे जिसने हमारी मस्जिद को तोड़ने पर फख्र किया, एक कांग्रेस के दलालों सुनो कि मजलिस है बीजेपी की टीम के, तुम टीपी टीम हो, आज महाराष्ट्र में उसी मस्जिद तोड़ने वाले के साथ तुम रोटी का टुकड़ा खाने के लिए बैठे, कौन मंदिर मस्जिद तोड़ने वालों के साथ? मेरे भाइयों, पिछले दिनों में इलेक्शन हुआ था तो यही का एक नेता कहते हुए भी मुझे शर्म आती है कि ऐसे वैसे लोगों नेता नहीं कह रहा। मैंने कहा था कभी कि ठेकेदार कभी नेता नहीं बन सकता, और जो नेता होगा वो कभी ठेकेदारी नहीं कर सकता। इन ठेकेदारों को कहना चाहता हूं, मेरे बारे में मैं नहीं कहता, सोशल मीडिया के साथियों ढूंढ लो, यही एमएलए बोला था कि बीजेपी की ड्यूटी है बीजेपी को जिताने के लिए आई है एमआईएम, और आपने हमने हमारे जाने मुझकी है मुझसे गलती हुई सजा दे सकते हैं। आपने अगर टोपी पहनाया हमें तो मेरा गरेबान भी पकड़ने का आपको हक है। मेरे भाइयों, क्या कहा था नीतीश कुमार ने कि मिट जाएंगे, भाई कमला साहब ने भी गवाही दी बीजेपी में नहीं जाएंगे, और हमको बीजेपी का बीटीम कहा, दर्दों ने कहा कि बुढ़ा बेसरम नमाज देख लिया फिर रोते क्यों हो, तो बुढ़े ने कहा था बेटा मैं नाच दिखवा नहीं बेटा, ये नहीं बेटा जन्म दिन का छोकरी बने नाचो बेटा मैं बेटा बता नहीं बेटा। आज कोचा धर्म कर लो वहां चाहेगी नहीं, जिस बेटे को आपने जिताया था अपने इस बेटे को कहा नहीं तुम पीछे हो जाओ, ये आदमी बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए आया है, आपने जिसको बीजेपी के खिलाफ जिताने का काम किया था वो आदमी जाकर अभी बीजेपी को जिताने के लिए बहुत मांग रहा था कोटिया में, अभी एक महीना भी नहीं, ये सच्चाई है कि नहीं है? ऐसे दोनों भाई आज लोगों की नहीं कहोगे,
समाज कोटलों से जब तक आजाद नहीं होगा लोगों ये कहने पोठिया दोगला जाए पोठिया दोगला कम हमारी शासन में जरा सा गर्व दृष्टि नहीं दिखो लोगों पोठिया दोगला कहने के मजलिस से लोग ताली बजानी ताली नहीं बजाओ ताली को ताल कर दो भाजपा कांग्रेस के गाल को लाल कर दो ताली संदान करो और जब ये बात कहे वहां पर रोम साधी गए हुआ गवाही देंगे कि लोगों ने सुना और वहां पर क्या कहा कि बीजेपी को जिताती है मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह आपका वो ठेकेदार बीजेपी को जिताने के लिए गया था आपका बेटा अख्तर निमान भाई कमल हुदा के हाथ पर हाथ रखकर बीजेपी के नाक को बसलने के लिए गया था बीजेपी को हराया भी और बीजेपी की जननी बीजेपी की माँ बीजेपी की जिससे वोट में परवरिश हुई उसकी जमानत भी सब कराने का काम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने करके दिखा दिया ये भी हमसे वफादारी का सबूत मानते अख्तर निमान कौन रहा मजलिस क्या करती है यहाँ से बहुत सारे लोग गए थे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक ही जुमला कहा था मुझे किसी पर एतबार नहीं लगता है अगर अख्तर निमान मेरी पार्टी का झंडा थामेगा तो मैं अख्तर निमान के हाथ में झंडा दूंगा मेरे भाइयों कौन सी बात थी आपके बेटे में कौन सी खूबी थी ये देखा था असदुद्दीन ओवैसी ने प्रिंट मीडिया से और मीडिया से कि जब सूरज नमस्कार का मामला आया तो सब कोई चुप बैठा था लेकिन अख्तर निमान चुप नहीं बैठा था लगता है यह आदमी अपने ताज के खातिर किसी का तलवा नहीं छाड़ सकता है बल्कि अपने ईमान के खातिर अपने ताज को लात मार सकता है मैंने वो काम किया और याद है यारएसपी साहब गवाही दीजिए मेरे अंदाजों के भाइयों सुकर्णा के भाइयों गवाही दीजिए 2005 में मैं इलेक्शन जीता हूं और जब मैं जा रहा हूँ सत्संग में हमारे हिंदू भाइयों ने सत्संग किया था अंगासुर में मैं जब लखवा पारा में गया हूँ तो दिन के 11 बज रहे हैं खेसारी का खेत है 6-8 डाकू है 6 के कंधे पर बंदूक है और 2 के कंधे में लट्ठी है हमारी गाड़ी छोड़ कर रास्ता बदल देता मैं उस दिन पट्टा देना था मैं पट्टे से आया और विधायक जी को मैं मुबारकबाद दे दू कमला साहब को इस बेचारे की थोड़ी सी देर हुई कल वो पट्टा से रात को 11 बजे पहुंचे और आज आप उनको फिर पट्टा जाना है मैं इसलिए मुबारक देता हूं कि वो सिर्फ पोचा धमन से प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए क्या वो मैंने उन डाकुओं को देखा याद होगा मेरे बरबट्टा हाट के भाइयों ये 5 बजे 6 बजे शाम को बरबट्टा हाट की दुकानें बंद हो जाती थी अल्लाह गरी के रहमत करे हजरत मौलाना गुलाम इल्ला साहब को जिनके साथ हम लोग रहकर हिम्मत अल्लाह ने हौसला दिया और अख्तर निमान ने जाकर वहां कहा था बरबट्टा में ए चोर डाकू तुम किस वजह से चोर डाकू बनो हो मुमकिन है भाग गए हो मुमकिन है गलत हो गए हो मुमकिन है तुम्हारे घर में किसी ने जुर्म किया उसके रिएक्शन में हो गए तौबा करो वह तुम माँ का दूध पीकर डकैती करना चाहता है तो अख्तर निमान माँ का दूध पीकर आया तुम्हारी कमर में रस्सी लगाने का काम करेगा और आपने देखा था कि चंद दिनों में डकैती बंद हो गई दरवाजे खुलने लगे डाकू की गिरफ्तारी हुई आपको याद होगा कि सोनथा की सरजमीन में जब डाकू आता है तो अख्तर निमान का जमाना है सलीम भाई गवाही देंगे डॉक्टर साहब हमारे परवेज भाई गवाही देंगे सलीम गवाही देगा क्या गवाही देगा कि वो भी हम अपोजिशन में थे सरकार में नहीं थे हमारे संस्था के भाइयों ने लाल चूता से वहां डाकुओं को मारकर खत्म करने का ये था अख्तर निमान बड़ा निकम्मा अख्तर निमान तो कोई ढंग नहीं काम करने का आज आया है ढंग वाला काम करने का जिस चौराहे पर अख्तर निमान ने डाकुओं का सर कलम करवाया था संस्था के लोगों के जरिए से आज उसी संस्था के चौक पर एक बेचारा गरीब ड्राइवर बालू लेकर आता है तो बालू के गाड़ी से रंगदारी वसूल की जाती है ये गुंडे रंगदार पैदा करते हैं और अख्तर निमान डाकुओं के गर्दनों पर हाथ रखने के लिए आया मेरे भाइयों ये भाई किसी का गाँव खुदा गवाह है लोगों आपने जो इज्जत दी है मेरी नस्लें भी आपके इस कर्ज का बदला अदा नहीं कर सकती मेरे भाइयों आपने इज्जत दी तभी आज दुनिया में हमारी इज्जत हो रही है आज आपका बेटा हारा हुआ है लेकिन चले वक्त है मेरे एमपी बिहार के किस शहर में जाएगा हिंदुस्तान के किस शहर में जाएगा आपके बेटे को जो अल्लाह ने इज्जत दी है जीते हुए साथ मेरे एमपी को भी वो इज्जत हासिल नहीं है ये क्या है ये आपकी मेहरबानी का सदका अभी हमारे सहरसा के भाई आए हुए हैं शकील भाई के बाद में बैठे हुए ये कौन लोग हैं कल तक आपका बेटा आपका भाई टिकट मांगने के लिए दिल्ली जाता था टिकट मांगने के लिए गया जाता था टिकट मांगने के लिए पट्टा जाता था कहीं गर्मनिया खाता था कहीं खट्टा खाता था
कई लाखों रुपया लूटा गया था, आज आपने जो हमारे को सहारा दिया है, कौन कहता है मैं हार गया? कई कहा भाई कमुदा साहब ने कि साहब आपने वोट दिया था 85,000 और जब हम लड़े तो 3 लाख पर पहुंचा दिया, और जहां 40,000 दिया था वहां पर 70,000 में पहुंच गया। यकीन है कि केले का पौधा 6 महीने में फलता है, खजूर के दरख्त को वक्त लगता है। अल्लाह का शुक्र है मजलिस अपने जड़े मजबूत करते हुए ऊपर और आज उसका नतीजा है कि आज गया से आरा से छपरा से आपका भाई छपरा टिकट मांगने नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह बिहार के दूसरे गांवों से जिन भाइयों को मजलिस के लिए दर्द है वो आपके बेटे के पास आकर फरियाद कर रहा है कि आपकी पार्टी मजलिस को वहां भी लेकर चलिए, हम मजलिस का झंडा उठा करना चाहते हैं। एक दो चार समझ लो, अपने आप को देखो क्या हुआ। मैं तो अपोजिशन में था, रमजान मुबारक के दिन है, यही सरजमीन है जहां खड़ा हूं। भाई खजानजी साहब को याद होगा ये सिमली वीडियो था, यहां पर रंगदारी करता था रमजान के दिन। फिर कुर्सियों से जब हमारे पंचायत समिति के लोगों की बात नहीं सुनता था, अख्तर जमा ने सिमली के गर्दन बड़ी हालत वाले का काम किया। यही थाना है जिसने घरवाने का काम किया और हमारे नौजवानों ने जाने कितने अफसरों को धक्का मुक्की कर दिया था। लेकिन यही बिशनपुर है और हमारे दस्तरखान की तलाशी लेने के लिए औरत आती है, उन पर मुकदमा नहीं होता है, उनको रिहा कर दिया जाता है और फिर कसूर लोगों को जेल में भेज दिया जाता है। इंसाफ करो, कौन लोग ये कौन लोग है? ये बीजेपी की गुंडागिरी करने लिए आए हैं? ये आपके मसला नहीं हो सकते क्या? लोगों जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़वाया वो बीजेपी जिसके जमाने में गुजरात में हमारी गबन कर दी गई। आज अभी 4 दिन का मामला हुआ, अभी एक बेचारा जमाल आदमी हाजीपुर का कटिहार से 1 किलोमीटर पहले मिर्चा भाई से पक्षी वो बेचारा लेके जाता है, हाथ के ले जाता है, देखते हुए संपा से लेकर हाथ के जाता है, माइक भी सड़क पर हाथ के ले जाता है, मजदूर 500 रुपया उसकी मजदूरी और रंगदारी के नाम पर शाम के 6 बजे 6-6 लोग फिर का प्रश्न उस बेचारे जमाल को वहीं पर कोई उसका हाथ उड़ा देता है, कोई उसके टांग को पकड़ कर बाप बेटा उड़ा देता है और हॉस्पिटल में पहुंचता है, मेरे भाई की जान निकल जाती है। मैंने कहा था नीतीश कुमार अगर तुम वाकई इंसाफ करते हो तो कटिहार में तुम्हारा मंत्री उसके घर पर क्यों नहीं आया, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उसके भीगे की मिट्टी को तुमने नापने का काम नहीं किया। मेरे भाइयों हालात बड़े गंभीर, 70-75 सालों तक हम सबके साथ चले, सबने हाथों लूटा है। अभी अभी कल निशिकांत दुबे नाम का एमपी है झारखंड का, कल भी उसने कहा है कि सीमांचल में एनआरसी होना चाहिए, सारे लोग हल्ला जैसी है। मैं कहना चाहता हूं है जदयू के एमएलए को कि तुम उसी बीजेपी के साथ जा रहे हो, उसी बीजेपी के जरिए से हम पर कदम करना चाहते हो जो एनआरसी लगाकर हमको यहाँ पर बांग्लादेशी करने का काम करता है। मैं समझता हूँ कि तुम तो एक बार दो बार फोका दे सकते हो, अकल मत कम बार बार फोका नहीं खाती, आने वाले दिनों में तुमका ऐसा सबक याद नहीं कीजिएगा। एक एक बार जानिए अभी बाबरी मस्जिद में आप सोचते हैं इंसाफ नहीं है, कितनी बेचैनी है लोगों, जब किसी इंसान के साथ इंसाफ नहीं होता है उसका दिल जो तड़पता है तो अल्लाह और उसके सामने में तो पर्दा नहीं होता है। लोगो जब दूसरा जुर्म करे तो आप कितना परेशान हो जाते हैं, इसलिए आपको तय करना पड़ेगा कि हम कहां इंसाफ करने जा रहे हैं। क्या है बलोद की हालत, क्या म्यूटेशन हो रहा है मुझ पर, आज क्या हुआ? सिनेमा के टिकट में कभी हाईस्कूल में हम लोग पढ़ते थे लगातार लाइन लगा के रहता था, कभी एक जमाना आया था भुखमरी का कि सरकारी चावल के लिए लोग लाइन लगा के रहता था। राग में दिल्ली में बेचारा शोहर है, उसकी बीवी राग भर लाइन में लगी हुई आधार कार्ड के लिए, क्या ये परेशानी खत्म नहीं आती लोगों? क्या हॉस्पिटल में दवाई मिल पा रही है? दिल्ली में रिक्शा चला रहा है, हमारा एक पत्थर उठा रहा है, साल भर में 40,000 रुपया कमाता है और बेटी बीवी की पहली बच्चे की पैदाइश होती है वो 40,000 रुपया डॉक्टर का खर्चा। क्या है ये हालात, कैसे बदल गए ये हालात? जो सड़क बनी, अभी भाई यहां साहब बोल रहे थे कि सड़क कैसी बनती है, अरे सड़क बनी रमतपाड़ा से लेकर स्थानगरा तक कितने में? 11 करोड़ में 2010-11 में सड़क खाने लगा, 5 साल तक उसका मेंटेनेंस होता है। मेरे जमाने में पीडब्ल्यूडी के लिए हमने सब कुछ करा दिया था उसका, सिर्फ इसलिए ही होगा 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं हुई, 5 साल की मुद्दत पूरी हुई तो उसका कन्वर्जन हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2015 के इलेक्शन से पहले रिपेयर करने के लिए हमने आवाज उठाने का काम किया था और जो सड़क 11 करोड़ में बनी थी उसमें 2-3 किलोमीटर पर पीसीसी है जो कालीकरण वाली सड़क है, 19 करोड़ में सिर्फ उसका रिपेयरिंग हुआ, सारे पैसे लूटे गए लोगों, क्या उसका इंसाफ देखो? ये पैसा किसका?
नीतीश कुमार के पिताजी का, सुशील कुमार के माता का पैसा, ये पैसा आपके हरीफ बेटों का, आपके खेत और खलियानों का आज धान बेच रहे हैं। धान का कटोरा कह रहे थे कैमूर में, कैमूर में धान आपसे ढाई गुना ज्यादा पैदा हो रहा है, उतनी ही खेत में कैमूर में धान बिकता है 1600-1700 रुपए क्विंटल, आज 1100 रुपए में भी किसान धान बेचने पर मजबूर है कि नहीं है। हमको तो कह देते विपक्ष का नेता है वो, तो सरकार के नेता ने क्या क्या करके दिखाया भाइयों, ये तो इंसाफ करने का काम करिएगा ना। मजलिस वोट मांगने नहीं आई, मजलिस आपसे ये कहने के लिए आई है कि मांगने से भीख मिलती है और गर्दन पर हाथ रखोगे तो हक मिलेगा, चाहे पीडीओ के हो, चाहे थानेदार के हो, चाहे कोई हुकूमत हो, उसके खिलाफ अपनी तवानाई को मजबूत करो, मुट्ठी में कुवत होती है अपने इतिहास को। और मैं इसे इतिहाद मुस्लिम हिंदुस्तान के मजलूम मुसलमानों को दावत देती है, ये मजलूम मुसलमानों, हमने 70-72 सालों तक इन पार्टियों को अपना सहारा समझा, कहीं उसने तुम्हारी बेटी की आबरू लुटवाई, कहीं गुजरात में बाप के सामने में बेटी की आबरू लुटी गई, तुम्हारी मस्जिद तोड़ी गई, हक तो ये है कि अब तुम्हारी शरीयत भी खत्म की जा रही है और ये कांग्रेस शरीयत को तोड़ने वालों के साथ जा रही है। एक कोचा भवन के लोगों, अकलियत की 73% आबादी यहाँ पर है, क्या अपने मस्जिद तोड़ने वालों का साथ दोगे? आवाज आनी चाहिए कि जिंदा है तो, क्या अपने मस्जिद तोड़ने वालों का साथ दोगे? गुजरात के दंगाइयों का साथ दोगे? नहीं दोगे तो आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा। अस्तोलीमान के मुत्तहिद नहीं हुई भाई, कमरदा के लिए मुत्तहिद मत हुई, अपनी नस्लों के लिए मुत्तहिद हुई है। क्या हुई है कि लालू जी से पहले जादव वोट देता था कांग्रेस को, जादव जी को नीचे बैठा देते लोग, लालू आया तो जादव ऊपर बैठा, ऊपर बैठने वाले को नीचे बैठाने का काम सुना के लिए आपने। रामविलास पासवान जब बीजेपी उस पर बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, जब गुजरात में दंगा हुआ था उसको उसने मुस्लिम तौर पर रिजाइन किया था, यही नीतीश कुमार ने क्रिटिसाइज किया था उसको। मेरे भाई आज पूछिए मजलिस का कारगुल बनिए, हम जो सब दावत देने के लिए आए हैं वो दावत ये देने के लिए आए हैं कि केरल में मुसलमानों ने अपनी पार्टी बनाई, आज केरल वाला आपके बच्चों को पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, आपके मदरसे में चला गया रहा है कि नहीं जला रहा है, क्या केरल के किसी मदरसे को चंदा दिया आपने, आपके हजारों मदरसे को केरल वाला चंदा दिया कि नहीं दिया, आपके हजारों बेटों को जाकर के इलाज हुआ कि नहीं हुआ, हैदराबाद में हैदराबाद वाला चंदा के लिए आपको आया, जहां आपकी पार्टी बनती है वहां आपकी ताकत है और जहां पार्टी नहीं है, रामविलास पासवान के लोगों ने पार्टी बनाया, पासवान को इज्जत मिली, पर मायावती ने अपनी पार्टी बनाई, पर मायावती के लोगों को इज्जत मिली, यही कहा है मेरे ससुर दिनेशी ने कि अब गफलत में अपना वक्त मत डालो मेरे भाई, हम हुकूमत करने के लिए खड़ा हो नहीं हुए हैं, हम राष्ट्रपति बनना नहीं चाहते हैं, मेरा बेटा चपरासी बने उसको उसका हक मिले, हम ये लड़ाई लड़ने के लिए आप ये समझ लीजिए कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन न वजीर आला की लड़ाई लड़ती है, न मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वजीर आजम की लड़ाई लड़ती है, न मंत्री बनने के लिए। आपको याद होगा जब मौलाना के इलेक्शन में मैंने टिकट को लात मारकर फेंक दिया था, उसको वदारत की कुर्सी भी मेरे कदमों में थी, अस्तर ईमान ने वदारत की कुर्सी को उस वक्त लात मारने का काम किया है, हम उसके लिए नहीं आए, हम आए हैं इस इलाके के लिए, हम इस इलाके में अपने दलित भाइयों, अपने गैर मुस्लिम भाइयों कहना चाहते हैं, ये संतोष के जरिए से कहवाना चाहते हैं, डॉक्टर दयानंद के जरिए से कहवाना चाहते हैं कि मेरे भाइयों हम मंदिर और मस्जिद का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, हम तो अपने बच्चों की रोटी का मसला तय करने के लिए आए हैं, अपने बीमारों के दवा का मसला तय करने के लिए आए हैं, बड़ों पर हमारे लोग परेशान हो रहे हैं उसका दवा करने के लिए आए, अभी मुखिया लोगों को कितना परेशान कर दिया गया है, बहुत मुखिया जी से बात हुई हमारी, अरे भाई हम लोग तो उठा गए हैं भाई, लेकिन वक्त का इंतजार कर रहे हैं, क्या कीजिएगा, हम लोग को लोगों को फंसा देता, फंसाने का काम अख्तर ईमान ने अपने जमाने में नहीं किया, मुखिया है उसकी इज्जत होनी चाहिए। आज लोगों ने यह कहा मोदी ने कि स्वर्ग भारत तुम बड़ा पखाना का घर, पैसा हम देंगे, भीख मांगने वाली औरत ने भी महाजन से पैसा उठाकर ले लिया है, पैसा के लिए अभी टुकुर टुकुर देख रही है, पलों का तो लौट मत कर जाती है, ये हालात है कि नहीं लोग, अगर ये हालात है आपके अंदर ताकत, बहुत सवाल आदमी बोलता है मेरा सब, अरे मिया मंदिर से लोगों ने खाली बोलो करे मिया लो, मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल ने हिदायत की, हम अपने उलमा को यहां देख रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ आपके हवाले से बात करना चाहते हैं, रसूलुल्लाह ने यह कहा कि नहीं कि जब बुराई को देखो तो हाथ से रोको, ना हो तो जबान से रोको, ना हो तो दिल से बुरा सको, ये ईमान का सही तरीन हिस्सा है, ये कौन है कि नहीं रसूलुल्लाह का, अगर ये कौन है
आवेसी ने देखा कि तलाक के बिल को हम ताकत से नहीं रोक पाएंगे, लेकिन हम जबान से जरूर रोकने का काम करेंगे। जबान से रोकने का काम ये हमारी कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो नौजवानों में हौसला है, कोई ठिकाना नहीं, कोई पैसा नहीं। अरे भाई अल्लाह साल चल रहे कहा से फौज आ गई, सिर्फ एक ही तमन्ना है। बूढ़ा कहता है कि बेटा आवेसी साहब ने अपना कबीरदास ने बिना दिल का चौड़ा है। जवान कहता है कि हमारी घबराहट दूर होती है और वो कहता है कि इस मुल्क में जीना है तो जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को दिखाकर दम लेंगे, जीना है तो इज्जत से जीएंगे वरना जाने शहादत पी लेंगे। यही नारा है अजल। आपने बड़े खलूस के साथ, आपने बड़े एतमाद के साथ इस जलसे को कामयाब करने का काम किया है। दो मिनट के लिए आदाब ये है, आदाब ये है कि चार तक वाली नमाज आप पढ़ लिया, सात से पहले उठ के नमाज होगी नहीं हो। मस्जिद के भी आदाब है, मस्जिद का सदर होता है, अपने अमीर के अदा कीजिए। सदर साहब की तो सिर्फुल्ला आपके शुक्राने के तौर पर होगी, उसके बाद मोहब्बत तौर पर जाइए। एमआईएम लोगों को सिखाने के लिए आई है ताकि लोग ये देखें कि एमआईएम का जलसा भी होता तो किसी चीज के मुताबिक होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।